हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली सरकार की दोहरी नीति दिखाऊंगा, बताऊंगा और सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि दिल्ली सरकार वैसे तो कहती है कि दिल्ली के अंदर जितने भी कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं वो दिल्ली सरकार को बहुत चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और दिल्ली के समस्त ड्राइवर भाइयों ने दिल्ली सरकार को जिताने के लिए 70% तक अपना योगदान दिया है। और केजरीवाल जी जगह जगह अपना जो भी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे जाकर भी ये सभी को कहते हैं कि दिल्ली के समस्त ड्राइवर जो हैं वो दिल्ली सरकार को बहुत सपोर्ट करते हैं और आप भी इसी प्रकार से करिए। तो दोस्तों जब दिल्ली के ड्राइवर भाई दिल्ली सरकार को इतना सपोर्ट करते हैं और दिल्ली सरकार को बनाने में दिल्ली के ड्राइवरों का 70% तक जो है हिस्सा है, तो दिल्ली सरकार उन्हीं ड्राइवर भाइयों के साथ दोहरी नीति क्यों अपनाती है बताऊंगा मैं दोस्तों आपको। ये दोहरी नीति किस प्रकार से दिल्ली सरकार हो या दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग हो वो अपनाती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं ड्राइवर संबंधित, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन संबंधित, अथॉरिटी संबंधित और गाड़ियों के जो भी चालान होते हैं उससे संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आपको इन सब की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली सरकार की दोहरी नीति क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यानी कि एक आपसे सवाल करता हूँ। देखिए, कोई भी बीमारी हो या फिर कोई भी आपदा हो या फिर कोई दुर्घटना होने वाली हो, तो दोस्तों वो दुर्घटना, वो बीमारी या वो कोई आपदा यह नहीं देखती कि सामने आने वाली गाड़ी प्राइवेट है या कमर्शियल है, ऑटो है, टैक्सी है या ई रिक्शा है। कभी आपदा नहीं देखेगी कि ये कौन सी प्राइवेट गाड़ी है या कमर्शियल गाड़ी है। कभी कोई बीमारी नहीं देखेगी कि ये प्राइवेट गाड़ी है ये कमर्शियल गाड़ी है। लेकिन दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली परिवहन विभाग, लेकिन पता नहीं दिल्ली सरकार इस प्रकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है कि दिल्ली में जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उन पे आपदा ज़्यादा आएगी, उन पे बीमारियां ज़्यादा आएंगी, और कमर्शियल के अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनमें बीमारी नहीं आएगी। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ आखिर ये मामला है क्या। देखिए, जब से कोरोना आया है तब से लेके आज तक, पहली बात तो दिल्ली सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं कमर्शियल व्हीकल के ऊपर सीटिंग कैपेसिटी को लेके, वो अभी तक हटाई नहीं गई हैं। जबकि दिल्ली सरकार ने अपनी समस्त, चाहे मेट्रो रेल हो या फिर बस हो, इनमें सब में फुल कैपेसिटी के साथ चलाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों वहीं दिल्ली सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि जैसे कि दिल्ली में कोरोना के केस अब कम होते जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, तो हमने सभी बाज़ार दुकानें जो है उनका टाइम टेबल बढ़ा दिया गया है, और जैसे पहले ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलती थी उन पे भी रोक हटा दी गई है, और जहां पे मास्क ना पहनने पे 2000 रुपये का चलान हुआ करता था उसको भी घटा के 500 रुपये कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जैसे कि दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन और आदेश जारी किया उसके अनुसार दिल्ली की समस्त प्राइवेट जो पर्सनल गाड़ियां होती हैं उनसे भी ये प्रतिबंध हटा दिया गया है कि उनकी गाड़ी में अब कोई भी बैठे फुल कैपेसिटी के साथ और किसी को भी मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने कमर्शियल व्हीकल के ऊपर, चाहे वो ऑटो हो, टैक्सी हो या फिर अन्य प्रकार का कोई कमर्शियल वाहन हो, उसमें बैठी हुई सवारी पे मास्क की पाबंदी अभी नहीं हटाई है। तो दोस्तों आप बताइए, अगर कोरोना आएगा तो वो प्राइवेट या कमर्शियल गाड़ी को देख के आएगा, या कोई आपदा आएगी क्या वो प्राइवेट या कमर्शियल गाड़ी देख के आएगी, या कोई एक्सीडेंट होगा तो वो प्राइवेट गाड़ी या कमर्शियल गाड़ी देख के आएगी? तो दोस्तों आप बताइए, दिल्ली सरकार ने ये दोहरी नीति अपनाते हुए प्राइवेट गाड़ियों को छूट दे दी है, फुल कैपेसिटी में जा सकते हैं, दूसरा मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम कमर्शियल वाहन चालकों को ये राहत अभी तक नहीं मिली है कि हम अपनी फुल कैपेसिटी के साथ चलें, और दूसरा हमारी गाड़ी के अंदर जो भी सवारियां बैठती हैं उन पे भी मास्क लगाना जो है वो अभी तक अनिवार्य है, उसको नहीं हटाया गया है। तो दिल्ली सरकार की ये थी दोहरी नीति,
प्राइवेट वाहन के ऊपर और एक कमर्शियल वाहन के ऊपर, जबकि कमर्शियल वाहन चालकों ने दिल्ली सरकार को बनाने में अपना 70% तक का जो है हिस्सा दिया था, उसी की बदलो दिल्ली सरकार आज दिल्ली में राज कर रही है और दिल्ली सरकार इसी प्रकार का रवैया अपनाती रहेगी तो दिल्ली सरकार को आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार इस ऐसा ही रवैया अगर अपनाती रही तो धीरे धीरे करके दिल्ली में एक और नई पार्टी को जन्म दे देगी। जैसे कि आपने अभी सुना होगा एक नई पार्टी ड्राइवर यूनियन वालों ने ही बनाई है, खैर वो कामयाब होती है या नहीं होती है वो तो बाद की बात है, लेकिन दिल्ली सरकार को दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के जो आपने आदेश जारी किए हैं ऐसे आदेश को आप कमर्शियल व्हीकल के लिए भी अलाउड करें कि उनमें भी फुल कैपेसिटी के साथ आप चल सकते हैं, और मास्क जो आपने उसमें प्राइवेट वाहनों में मास्क को अनिवार्यता को हटा दिया गया, ऐसे ही कमर्शियल व्हीकल में भी हटाएं। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी जो दिल्ली सरकार की दोहरी नीति को ऊपर मैंने बनाई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैं इसी प्रकार की ड्राइवर संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते रहता हूँ, तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।